दोस्तों आपके सामने आज बेहद ही सिंपल सा और छोटा सा प्लान डिस्कस करने वाले हैं। हमारे एक जानने वाले थे और उनका ये रिक्वायरमेंट था, उनको जैसा प्लान चाहिए था उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इस प्लान को आज आपके सामने डिस्कस किया है। और ये जो प्लान का साइज है 13.6 13x45 फिट में पूरा घर बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। हालांकि ये जो प्लान है छोटा है, लेकिन इसमें दोनों साइड रोड है, फ्रंट और बैक साइड, तो उसी के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया है। उनको 3 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर चाहिए थे और उन्हीं की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हुआ 13x45 फिट में मॉडल को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपका भी कोई ऐसा ही प्लान है, मतलब कि 13x45 फिट का, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। या अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें कॉन्टेक्ट करके, आपसे मैं बात करके, आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके आपके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। लेकिन वो हमारी पेड सर्विस है, इसका विशेष ध्यान रखिए। तो चलो आज का जो प्लान है 13x45 फिट डिस्कस कर लेते हैं, उसे आपको मैं समझा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, प्लान है बहुत ही किफ़ायती और छोटा सा प्लान, लो बजट प्लान मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उनको फिलफिल करता हुआ प्लान है। ये बैक साइड है जो अभी आप देख रहे हैं जस्ट, और इसके जो पहले मैंने दिखाया था फ्रंट साइड ये है, सामने से ये है बैक साइड, ये इनकी दोनों तरफ रोड है, तो उसी को फिलफिल करता हुआ ये मॉडल 13x45 फिट में बना हुआ है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ जिसकी आपको इसको रियलिस्टिक व्यू समझ में आया। इसकी ग्रिल वगैरह देख लीजिए, इसका डिजाइन वगैरह देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर आप देखिएगा, मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ। ये स्लोप है, ये मेन डोर है जो कि 4 फिट का मैंने दिया है। इसके बाद ये विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए, इससे आप जैसे अंदर जाते हैं तो आप उसके ऊपर आपको जाली मिलती है, और ये डिजाइनिंग के पर्पज़ से है। और यहाँ पर भी डिजाइनिंग के पर्पज़ से आप देख रहे होंगे लाइन टाइप के खींची हुई। इसके बाद जैसे आप अंदर जाते हैं तो पहले ही आपको एक गेस्ट रूम मिल जाता है। मैंने 13.5 फिट में कोई भी गैलरी नहीं दी है दोस्तों, उसको विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर 13.5 फिट में गैलरी दे देता ना तो जगह बिल्कुल नहीं बचती आपके पास, फिर गैलरी गैलरी और छोटे छोटे रूम हो जाते। इसलिए आपको अगर अंदर जाना होगा तो रूम से ही होकर जाना होगा, आप बाद में पर्दे वगैरह लगा कर इसे सेपरेट कर सकते हैं, बट मैंने गैलरी नहीं दिया है। पहले आपको बेडरूम मिलता है, इसके बाद फिर से एक बेडरूम मिलता है, इसके बाद आप जैसे पीछे जाते हैं आपको आंगन मिलता है, और इधर से स्टेयर्स मिलती हैं ऊपर जाने के लिए, उसी के नीचे लेट एंड बाथ बन जाता है। इसके बाद एक और बेडरूम सबसे पीछे, अगर इधर से देखेंगे तो सबसे आगे आपको बेडरूम मिल जाएगा, क्योंकि पीछे भी इनके रोड है। तो 3 बेडरूम बन जाते हैं, लेट बाथ और स्टेयर्स बन जाती है। इनको किचन ग्राउंड फ्लोर पर रिक्वायर्ड नहीं थी, इस वजह से मैंने किचन यहां नहीं बनाया है। बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो ये देखिए फर्स्ट फ्लोर, मैंने यहाँ पर 3 फिट का छज्जा बनाया और उस पर मैंने बेहतरीन से ग्रिल लगाकर एक बालकनी बनाई है, और ऐसा ही बिल्कुल पीछे बैक साइड किया है, आप देख सकते हैं ये। तो जैसे स्टेयर से ऊपर आएंगे तो ये आपका आंगन यहाँ पर, तो अब इसके बाद लेट बाथ बन नहीं पाएगा। पीछे वाला बेडरूम सेम है, इस वाले बेडरूम को मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, एक किचन जो कि इस साइड है और लेट एंड बाथ ये वाला। तो इस वाले ऊपर वाले फ्लोर पर आपको 2 बेडरूम, एक आगे एक पीछे, यहाँ पर जीना वाला पोर्शन मिलता है, और इस वाले बेडरूम को ही मैंने डिवाइड करके लेट एंड बाथ और किचन बना दिए हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कुछ चीज़ को भी लेट या बाथ बना सकते हैं। हालांकि मैंने इधर मैं लेट अपना किचन बनाया है, उधर लेट एंड बाथ बनाया है। ये गैलरी है जिससे आप आगे और पीछे जा सकते हैं। फ्रंट का ऑलरेडी मैंने दिखा दिया, मैं मैक्सिमम जूम करके और दिखा देता हूँ। इसकी रेलिंग वगैरह क्या है, ये फ्रंट साइड है जिधर आपका गमला रखा है, सामने का साइड, ये बैक साइड है। दोनों तरफ बालकनी है इसलिए दोनों तरफ डोर लगाना पड़ा, विंडो भी दोनों तरफ लगाया है वेंटिलेशन के लिए। मैं बात करें इसके फर्स्ट सेकेंड फ्लोर की, तो यहाँ पर देखिए सेम है, कोई भी चेंजमेंट मैंने नहीं किया है सेकेंड फ्लोर पर, और बस लास्ट फ्लोर भी कोई चेंजमेंट नहीं, गुमटी जो कि स्टेयर्स बनी थी उसको ढकने के लिए गुमटी बना दी है, और ये पूरा 13x45 फिट में मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मॉडल हमारा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई भी घर बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।